वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1 अप्रैल से ऐसे 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर जवानों, पेंशनरों, केंद्रीय कर्मचारियों तथा अन्य सभी के ऊपर पड़ने वाला है। और दोस्तों, 31 मार्च तक अगर आपने 10 काम खत्म नहीं किए, वो क्या काम है मैं बताऊंगा वीडियो में, तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, 31 मार्च तक क्या क्या है वो 10 काम जिनकी वजह से आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, और क्या है वो 4 नए नियम जो लागू होंगे, आइए देखें इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले 1 अप्रैल से जो 4 नियम लागू होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। और उसमें सबसे पहला नियम जिसमें ईपीएफ अंशदान के बारे में बताया गया है, अब आयकर के जो नए प्रावधान है उनके मुताबिक 1 अप्रैल के बाद जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, सिविल के हों, यानी कोई भी कर्मचारी हों, वो अपने भविष्य निधि खाते में अगर सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर अब आपको टैक्स देना होगा। दूसरा नियम दोस्तों, प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म, यानी कि अब जो आईटीआर फॉर्म आपको मिलेगा वो पहले से भरा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि कर्मचारियों को जो आयकर रिटर्न भरना की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। जब आप अपना आईटीआर भरेंगे तो आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म आपको मुहैया कराएगा। तीसरा नियम दोस्तों, रिटर्न भरने से छूट। ये छूट किसको मिलेगी? जो 75 साल से अधिक उम्र वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। दोस्तों, इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आय सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है। यानी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि 75 साल से ऊपर पेंशन भोगियों से इनकम टैक्स माफ नहीं। सही खबर ये है, जिन वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स की आमदनी सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चौथा और सबसे खतरनाक नियम, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, नहीं भरते हो, तो आपको आयकर की धारा 206(a)(b) के तहत 1 अप्रैल 2021 के बाद आपको 2 गुना TDS भरना पड़ेगा। यानी कि अब आपको TDS भरना बहुत ही निहायत जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर डबल TDS की पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, ये 4 नए नियम बदलेंगे 1 अप्रैल 2021 से। आप देखते हैं कि वो कौन से 10 काम है जो आपने नहीं किए तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, पहला काम, आपको पैन से आधार को जोड़ना। जिन भाइयों ने अभी तक अपने आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है, अगर उन्होंने 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप अपने खाते से बड़ा लेन देन नहीं कर सकते, आप कर्ज के लिए आवेदन नहीं कर सकते, आपको लोन या कर्ज भी नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपने 2019-20 के लिए रिवाइज आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च तक पूरा कर लें, नहीं तो ऐसे पेंडिंग रिटर्न पर आपको 10,000 रुपए तक का विलंब शुल्क लगेगा, लेट पेनल्टी, और 5 लाख तक आय पर 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। दोस्तों, अगला काम आपको GST रिटर्न का है, 2019-20 का सालाना GST रिटर्न भी आपको 31 मार्च तक भरना होगा। केंद्र ने GSTR 9 और GSTR 9C के लिए समय दिया है। दोस्तों, अगला काम 7 बैंकों की चेकबुक से संबंधित है, यानी वो बैंक है देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक। इनके पुराने जो चेकबुक है वो 31 मार्च तक ही मान्य रहेंगे। इनका अन्य बैंकों में विलय हो चुका है। सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक मान्य होगी, जिसका विलय केनरा बैंक में हुआ है। इसके बाद इन बैंकों के जो चेकबुक हैं वो निरस्त हो जाएंगे, इसलिए इससे पहले अपनी नई चेकबुक ले लें जिनकी चेकबुक इन बैंकों की है। अगला काम दोस्तों, PMAY कर्ज सब्सिडी, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोन लिया है उस पे जो सब्सिडी मिलती है उसकी सीमा 31 मार्च है।
MIG 1 और MIG 2। MIG मतलब मीडियम इनकम ग्रुप 1 और 2 के जो अभ्यर्थी हैं, उनको सब्सिडी लेने के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। इसमें दोस्तों वो लोग आते हैं जिनकी 6 से 18 लाख रुपए तक की सालाना इनकम होती है। अगला काम दोस्तों LTC योजना, यात्रा अवकाश भत्ते के एवज में नगद वाउचर लेना चाहते हैं तो कर्मचारियों को 31 मार्च तक जरूरी बिल अपने नियोक्ता के पास जमा कराने होंगे। ये लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने कोरोना में प्रतिबंधों की वजह से यात्रा नहीं की थी, वो लोग यात्रा अवकाश भत्ते का क्लेम कर सकते हैं। अगला काम त्योहारी अग्रिम भुगतान, यानी कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ये एक सुविधा दी थी कि जो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए एडवांस रुपए लेने चाहते हैं 10,000 रुपए तक, तो उनको इससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर अभी भी कोई कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वो 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस पैसे को वापिस करने की सुविधा आपको मिलेगी, आप अधिकतम 10 किस्तों में ये पैसा लौटा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन 4 नए नियमों की जो 1 अप्रैल से लागू होंगे और 10 ऐसे काम जो आपको 31 मार्च से पहले करने हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।